मन में सच्ची आस्था और मजबूत इरादा हो तो पहाड़ जैसी चुनौती भी आसानी से पार हो जाती है। ऐसी आस्था और मजबूत इरादों के साथ एक पेड़ से दिव्यांग मोहित गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। मोहित की आस्था और इरादा देखकर लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत निवासी शिवभक्त एक पैर न होने के बावजूद हरिद्वार से सोनीपत कलश में गंगा जल भर कर कंधे पर कांवड़ लेकर निकल पड़ा है। मोहित ने बताया कि 11 साल की उम्र में उन्हें बोन कैंसर हुआ था, जिसकी वजह से उनका एक पैर काटना पड़ा था। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बॉडी बिल्डिंग का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर वे कई पुरस्कार भी जीत चुके हैं, साथ ही 10 बार मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं। मोहित का मन था कि वह हरिद्वार से कांवड़ लेकर आएंगे, जिस पर उनके दो दोस्तों ने उनका हौसला बढ़ाया और वह मोहित का सहारा बनकर कांवड़ लेने निकल पड़े। सोनीपत लेकर जा रहा हूँ हरिद्वार से कांवड़, 200 किलोमीटर पदयात्रा कर रहा हूँ और भाई इंटरनेशनल प्लेयर भी रह चुका है, 100 गोल्ड मेडल जीत रखे मैंने बॉडी बिल्डिंग में, और तो बोले के आशीर्वाद से खींच रहे कांवड़। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।